जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस मैथ मंत्री परिवार में। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक, अगर आपके 35 हो रहे हैं तो आप UPSI तक के एग्जाम्स निकाल सकते हैं। BEd तो अलग की बात है, हालांकि BEd के दृष्टि से ही बनाया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चंस को आपको याद करने के ट्रिक के साथ याद करा दिया जाएगा। आप इसको एक से दो बार केवल सुन भी सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे PDF मिल जाएगी 9721085802। इस पर आप BEd एंट्रेंस 2023 लेकर के मैसेज कर देंगे, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी बंगला है कि सारिका है कि महादेवी है कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए किन्होंने महिला में जीता है। ठीक, देखिए पूरा इसका हिस्ट्री खंगाल देंगे। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये जो है पुरस्कार है, ठीक, इसकी स्थापना वर्ष 1915 में हुआ। कब हुआ? 1915 में ये जो है इसकी स्थापना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1915 में हुआ। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम विजेता जो थे जी शंकर कुरूप थे, लेकिन ये पुरुष थे। आपसे क्या पूछा है? प्रथम महिला, तो महिला जो थी वो आपकी आशा पूर्णा देवी जी थी। कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। तो देखिए इसके बारे में ये भी पता चला कि कब से शुरू हुआ। एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया, एक हिंदी का भी हो गया, तीनों दिया गया। मतलब लगेगा आपको कि जीके है लेकिन ये है हिंदी का क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिचंद। तो इसके संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक, नेक्स्ट है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बांधो, आगे कौन धवाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, आपको चार पंक्तियाँ दी गई है, इस पंक्तियों में से अलंकार बताना है। अनुरक्ति अलंकार है कि भ्रांतिमान है कि विभावना है कि संदेह है? देखिए इसमें जो है अलंकार है अनुरक्ति अलंकार। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित किया गया है। ठीक, भौरे को प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ित करने के बहाने जो है कवि राजा जय सिंह की काम लोपता पर व्यंग किया गया, अतः यहाँ पे अनुयोक्ति अलंकार है। क्या है? अनुयोक्ति अलंकार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पूछा गया अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। देखिए इसमें से कौन हिंदी स्वर के वर्गीकरण में नहीं आएगा ये पूछा गया है, तो इसमें विवृत स्वर नहीं आएगा, ठीक। जीभ के आधार पर मध्य स्वर, अग्र स्वर, अगली जीभ के हिस्से से बोलेंगे तो अग्र स्वर, पिछले वाले हिस्से से बोलेंगे तो पश्च स्वर, मध्य वाले से बोलेंगे तो मध्य स्वर। ठीक, लेकिन विवृत स्वर जो होता है जो मुँह के आधार पर होता है, ठीक, मुँह आधा खुलता है पूरा खुलता है उसके हिसाब से विवृत स्वर होता है, तो इसमें से कौन नहीं आएगा ये पूछा था, तो विवृत स्वर नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाद चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया? ठीक, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया? रेखा के नाम से कि ध्वनि के नाम से कि पंक्ति के नाम से कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है किस नाम से अभिविहित किया। तो इसे रेखा के नाम से अभिविहित किए थे कामता प्रसाद गुरु जी। और क्या बताए थे आप बताइए कमेंट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताओ। प्रश्नवाचक है कि इच्छावाचक है कि निषेधावाचक है कि आज्ञावाचक है? देखिए आपकी भविष्य उज्जवल हो तो हमारी क्या हो सकती है, हमारी इसमें क्या हो सकती है, इच्छा ही हो सकती है। हम यही इच्छा कर सकते हैं भगवान से कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप BEd में गवर्नमेंट सीट लाए और आपका सरकारी कॉलेज मिल जाए, आपका 6,000 फीस लगे, नहीं तो प्राइवेट में जाएंगे तो 55,000-60,000 लग जाएगा। चलिए आगे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर
वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित, तीसरा नंबर पता है मिश्रित। तो ये रचना के आधार पे पूछा गया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ देखिए इसमें है कि कौन सा पुल्लिंग है, रात पुल्लिंग है कि बात पुल्लिंग है, गीत पुल्लिंग है कि मात पुल्लिंग है। देखिए इसमें जो है आपको लगेगा कि गीत स्त्रीलिंग है, लेकिन है ये पुल्लिंग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गीत पुल्लिंग है। पानी आपको स्त्रीलिंग लगता है, पानी, लेकिन रहता है पुल्लिंग। ठीक, उसका ट्रिक आप लोगों को अलग से पढ़ाएंगे बढ़िया से, जिसको याद हो जाए, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक, आगे है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम पाँच प्रकार के होते हैं, सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं। देखिए सॉरी, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं पूछा है ना, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के छः प्रकार हैं। देखिए, और संज्ञा के पाँच प्रकार होते हैं, जो बोले थे हम, संज्ञा के पाँच प्रकार होते हैं। तो इसमें सर्वनाम के छः प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त होता है? कविता परिश्रमी युवती हैं, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है सी नंबर में गलत विशेषण प्रयुक्त हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा, यहाँ पे सरकारी जो है बाद में लगेगा। ठीक, सरकारी महिला नहीं होती है, देखिए महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है। ठीक, तो इसमें सी नंबर में जो है आपका गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक विभेद है? तो देखिए खाना खा चुका है यानी काम पूर्ण हो चुका है, तो ये क्या होगा? पूर्ण भूत, काम पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक, खाना खा चुका है मतलब पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि यण संधि का संबंध किस संधि से है, यण संधि का संबंध किस संधि से है? स्वर से, विसर्ग से, गुण से, दीर्घ से। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, तो उन्हीं में से इनका जो है यण संधि आता है। ठीक, तो यण संधि किसके हो जाएंगे भेद? स्वर संधि के। ठीक, स्वर संधि के भेद हो जाएगा यण संधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट महाजन शब्द में समास है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि अविभाव है कि द्विगु है कि द्वंद है? तो देखिए जहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा वहाँ पे द्विगु होता है, और जहाँ पे दो लोग हो जैसे सीताराम भाई बहन, तो यहाँ पे द्वंद होता है। अविभाव जहाँ पे न पूर्व पद प्रधान हो न प्रथम पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला न प्रधान हो न पहले वाला प्रधान हो, तो वहाँ पर अविभाव होता है। तो अब बचा कौन? कर्मधारय समास, तो महाजन में कर्मधारय समास है। ठीक, नेक्स्ट है 14 नंबर, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र का चिट्ठी होता है, पुष्प होता है, पत्ता होता है, पंक्ति नहीं होती, पंक्ति दूसरे चीज़ का है, पंक्ति जो है नहीं होती है, पंक्ति अली का अनेकार्थी शब्द है, अली मतलब भौरा होता है। ठीक, तो अली, अली छोटा वाला लिखेगा तो भौरा होगा, अब बड़ा वाला लिखेगा तो सखी होगा। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अली जो है पंक्ति का अनेकार्थी है, या पंक्ति अली का अनेकार्थी है, बाकी जो है सब पत्र यानी चिट्ठी का अनेकार्थी है। पहले पत्ता लिखा जाता था, पत्तों पर चिट्ठी लिखा जाता था, चिट्ठी तो आप जानते ही हैं, अब पुष्प पे भी चिट्ठी के माध्यम से कन्वर्सेशन होता था। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है, उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? तो अनुपयोग, उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची पसन नहीं है, प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, लेकिन पसन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निम्न में से मीन का समानार्थी है, मीन मतलब क्या होता है? मछली। तो मीन का समानार्थी कौन सा है ये बताना है, झक है कि सिलीमुख है कि अली है कि षटपद है? तो इनमें से मीन का समानार्थी कौन है बताना है आपको, तो आप कमेंट में बताइए फटाक से। तो मीन जो है सफरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा झक, समानार्थी झक कहते हैं। ठीक, ये अली तो भावरा का हो जाएगा, तो मीन मतलब मछली और जलोदरी मतलब मछली,
जल मीन मतलब मछली, मत्स्य मतलब मछली, सफरी मतलब मछली होता है। ठीक, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब सच्चाई का पता लगना, कलाई खुल जाएगा मतलब सच्चाई का पता चल जाएगा, यानी भेद प्रकट होना। ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन इनमें से छांटा है कौन सा सही है। तो इसमें कलाई खुलना मतलब भेद का प्रकट होना, ठीक, दोनों का लगेगा कि सेम ही है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा भेद का प्रकट होना। ठीक, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो साटिका जो है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, साटिका यानी सातिका भी लिखा जाता है कहीं कहीं, सातिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। देखिए, सुपर्णाखा रावण की बहन थी ना, सुपर्णाखा, तो इसका शुद्ध वर्तनी तलाबी स होगा तब सही होगा, सुपर्णाखा। ठीक, उनका क्या नाम था? सुपर्णाखा। ऐसे देखो सब सुपर्णाखा लिखा है, लेकिन समझना क्या है, यहाँ पे एक तलाबी स दिया है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको एक पैसे दिया जाएगा, उसमें से चार क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, कह रहा है कि अब न गहरी नींद से सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अस्तल अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ मैं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। देखिए कवि लिख रहा है, और क्या लिख रहा है कवि? गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? चिंतायुक्त होना, परिश्रम होना, मृत्यु को प्राप्त होना, बेखबर होना। गहरी नींद में सोना कब होता है? जब लोग बेखबर हो जाते हैं। जैसे तुम लोग को पढ़ना है और तुम गहरी नींद सो रहे हो यानी बेखबर हो रहे हो, तो रैंक कैसे बढ़िया आएगा? नहीं आएगा। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि बेखबर होना। ठीक, कभी लोगों को कहाँ जाने नहीं देगा, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर नहीं जाने देगा। कहाँ पर नहीं जाने देगा? पतन की राह पे नहीं जाने देगा। वो जगाएगा आपको, आपको प्रेरित कर रखा है, जैसे मैं भी आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, आपका रैंक बढ़िया आएगा, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इस तरह से कवि का काम हम भी कर रहे हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि का दायित्व है, हमारा कोई दायित्व नहीं है, आप लोगों का दायित्व है। ठीक, ताकि लोग गीत सुन सके। गीत नहीं सुनाने आए हैं, कवि भी गीत नहीं सुना रहा है, ताकि लोग गतिशीलता आ सके और प्रगति पथ पर बैठ नहीं सके, चल सके। यहाँ पे चल रहा था तो और अच्छा बात है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 23 का। ठीक, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतल अस्ताचल, देखिए अ यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण जब बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? जागृति, हर्ष, कोलाहल, आकाश। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जागृति। कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति होता है। 26 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, मतलब हलवाई की दुकान एक ही है मेरे घर के पास, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो इसमें शुद्ध छाटने को भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही है, कनौजी है, मैथिली है, अवधी है। तो मगही है, मैथिली तो बिहार की है, और उत्तर प्रदेश में पश्चिम दिशा में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? कनौजी की अवधी आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनौजी। नेक्स्ट, एक अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द? अप्रमेय जिसको मापा ना जा सके। ठीक, अप्रमेय या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो तौला ना पाना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो, कौन सा सही है इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसको अप्रमेय बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि आणविक भट्टिया असीमित शक्ति का क्या है? इसमें खाली जगह दे जाएगा, भरने का दे जाएगा, साधन है, उपकरण है, स्रोत है, माध्यम है। तो इसका राइट वाला ऑप्शन जो होगा स्रोत है। क्या है? आणविक भट्टिया असीमित शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट है कि अखिल भुवन चर अचर
हरी मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रिगु पुलकातु। इस पक्ति में कौन सा रस है? पुलकातु माने कोई बच्चा होता है ना तो पुलाता है आंखों से, घर परिवार के लोग खुश होते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, अद्भुत रस। ठीक, 30 का सी नंबर। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है बताना है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ये जीके में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि निम्न में से सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। तो कौन नहीं है? चित्ररेखा नहीं है। चित्ररेखा सूरदास की रचना नहीं है, ये पूछा जाता है। देखिए सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों की कविता जो रचनाएं हैं ना, केवल याद कर लेना है उनमें से आएगा कि ये कौन सी है कौन सी नहीं है। चित्ररेखा किसकी है? तो यह जायसी जी का है, मोहम्मद जायसी, यह जायसी जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द है, कौन सा शब्द है? धीर ललित, धीरोदात, धीरोदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीरोदत्त। दोनों ऑप्शन सेम सेम दिख रहा है लेकिन इसमें ध लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरोदत्त। ब्रजभाषी का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रजभाषी का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी। तो मथुरा, ब्रज रास रचाए थे ना कृष्ण भगवान। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था का अर्थ है कि भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए, यानी भय हो रहा है ना तो उसका समन शुरू से ही कर देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो बिल्ली परिक जाती है। सहोदरा किसका प्रवाची है? सहोदरा भाई बहन का प्रवाची है, कि पृथ्वी का है, उरक का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिन का। बहिन को क्या का कहते हैं? बहिन को कहते हैं भगिनी, दीदी, जीजी, बहन। ठीक, अब है कि अनि, देखिए अनिभिज शब्द का विलोम है, तो अनिभिज मतलब अभिज्ञ का अनिभिज होता है। ठीक, और भिज का अनभिज्ञ होता है, भिज का अनभिज्ञ और अनिभिज का अभिज्ञ होगा। ठीक, तो ध्यान देना है। वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा, वचनामृत मतलब जो वचन, इसका विग्रह करना मतलब, विग्रह करना मतलब अलग अलग तोड़ना है। ठीक, तो वचन रूपी अमृत को जो है वचनामृत कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सखी प्लस आगमन का, सखी प्लस आगमन बराबर संख्यागमन, ये किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है जी? दीर्घ का, वृद्धि का, गुण का, कि यण का, बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण का। ये देखिए, ई छोटी या बड़ी प्लस कोई भी स्वर आ जाता है असमान स्वर, तो वहाँ पे यण हो जाता है, तो इसको हम यण संधि कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन लास्ट है, कमेंट बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर होता है, स्वसुर, यानी 40 का सी हो जाएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बोलिएगा, किसी टॉपिक पर वीडियो कमज़ोर पड़ रहा है आपका टॉपिक, उस पर बनाएंगे फटाफट। लेकिन हालांकि अभी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे 50-50 क्वेश्चन का, 40-40 क्वेश्चन का, ताकि आपका सिलेबस एक मजबूत पकड़ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।